एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू मिलने वाले स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जेएनयू देश का सबसे सस्ता यूनिवर्सिटी रहने के लिहाज से और पढ़ने के लिहाज से कहा जाए तो बिल्कुल सार्थक होगा ये वर्ड कि देश का सबसे सस्ता यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसके कोर्सेज की जब बात करते हैं तो कुछ सौ रुपए आपको यहाँ पे अपने सेमेस्टर फी देना होता है और लगभग कुछ ही पैसे आपको हॉस्टल फी के तौर पे पे करने होते हैं। उसके लिए जब मैथ्स बिल आता है तो आपको पहला जो सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप है जेएनयू का, वो मिलता है आपको गाइस एमसीएम, मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो जेएनयू में हॉस्टल्स को दी जाती है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है गाइस 2000 पर मंथ। अगर आप हॉस्टलर हैं और अगर आपका फैमिली इनकम 2,50,000 से कम है या 2,50,000 तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपका इनकम सर्टिफिकेट 2,50,000 तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा पे एमसीएम नहीं मिलता है। दूसरा, आपको एमसीएम में एक क्राइटेरिया तो हो गया जो स्टूडेंट हॉस्टलर हैं, जिनको ऑफिशियली हॉस्टल मिला हुआ है। दूसरा एमसीएम का पार्ट आता है, उसमें आपको दिया जाता है जेएनयू के द्वारा 800 पर मंथ। अगर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, आप बाहर रह रहे हैं या फिर अपने हॉस्टल में ही किसी साथी के साथ रह रहे हैं बट आप ऑफिशियली हॉस्टलर नहीं है, तो आपको जेएनयू देता है पर मंथ एमसीएम के तौर पे 800 रुपीज। ओके, अगर आप बैचलर में हैं तो आपको ये 3 साल तक दिया जाता है। कई स्टूडेंट होते हैं जो अपना बैचलर 0 ईयर वगैरह लेने की वजह से 4 साल में कंप्लीट करते हैं, तब भी आपको केवल 3 ईयर ही दिया जाएगा, वो चौथा साल काउंट नहीं किया जाता है। तो ये एमसीएम का हो गया 2000 पर मंथ और 800 पर मंथ। हॉस्टल में रह रहे हैं आपके लिए 2000 पर मंथ काफी बड़ा एक हेल्प होता है। आपका हॉस्टल का जो मैथ्स बिल आता है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से लगभग 0 हो जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपसे, एक जेएनयू में स्कॉलरशिप दी जाती है जिसका नाम है फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप। अब ये फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप किसको दी जाती है, इसका क्राइटेरिया क्या है? तो फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप 700 पर मंथ, इसका जो अमाउंट है वो 700 रुपए पर मंथ है और ये दी जाती है मेरिट बेस्ड पे। और मेरिट बेस्ड पे ये दी जाती है एमए जो इंटरनेशनल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, आईआर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये 700 पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि 700 एक बड़ा अमाउंट नहीं है, ऑफ कोर्स, लेकिन जेएनयू में ये काफी होता है। दूसरी अगर बात करूंगा आपसे, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो है जवाहर भवन ट्रस्ट स्कॉलरशिप। ये क्या है एक्चुअली, मैं इसका सबसे पहले अमाउंट देखते हैं कि जवाहर भवन जो स्कॉलरशिप जो जेएनयू में दी जाती है ये 1000 पर मंथ दी जाती है। उसके अलावा ये कितने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें ये एक साल के लिए टोटल जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रोवाइड की जाती है। और इसमें जो स्टूडेंट शामिल होते हैं वो शामिल होते हैं एमए, एमएससी और एमसीए के स्टूडेंट्स। इसका जो क्राइटेरिया है, इसमें अगर इस जो स्कॉलरशिप उसके लिए आप किस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके जो परसेंटेज हैं, खासकर सेमेस्टर में यहाँ पे जो सीजीपीए आते हैं, क्योंकि जेएनयू में परसेंटेज कभी नहीं दिया जाता है, सीजीपीए बेस्ड यहाँ पे मार्किंग सिस्टम है, तो आपका जो मिनिमम सीजीपीए है वो 5.5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्कॉलरशिप फेलोशिप है एक्चुअली में ये एक निप्पॉन फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। निप्पॉन फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो फेलोशिप है, सॉरी, तो ये फेलोशिप 3 साल के पीरियड के लिए होती है, 3 साल के लिए दी जाती है और इसका जो अमाउंट है वो है 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ ये फेलोशिप दी जाती है टोटल 6 स्टूडेंट्स को। और आप जानते हैं कि ये फेलोशिप है ना कि स्कॉलरशिप है, तो फेलोशिप केवल रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाती है, या तो वो एमफिल के स्टूडेंट हो या पीएचडी के। और जेएनयू में नेक्स्ट ईयर से जो एमफिल एडमिशंस है वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू वहाँ पे एमफिल में एडमिशंस नहीं होंगे, तो जो भी अब एडमिशंस होंगे वहाँ पे, तो पीएचडी, तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम से ये फेलोशिप केवल और केवल जो पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगी। उसके बाद हमारे जो आखिरी फेलोशिप पे हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है आपका कोरियन फाउंडेशन फेलोशिप। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया कि जो कोरिया है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए, और जेएनयू उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो जेएनयू है वो कोरियन लैंग्वेज का, कोरियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, सेंटर बन चुका है। तो यहाँ जो कोरियन फाउंडेशन है जो ये देता है 10,000 पर मंथ, ये फेलोशिप है 10,000 पर मंथ की। अगर मैं बात करूं तो ये जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको पहले 2 साल, उनका जो पीएचडी है या एमफिल है उसके स्टार्टिंग 2 साल में दिया जाता है, उसका अमाउंट होता है 10,000 पर मंथ।
और दूसरा जो है उनको एक्स्ट्रा से 20,000 एक भत्ते के तौर पे और दिया जाता है जो एक्स्ट्रा रहता है, ये एक साल में एक बार दिया जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे तो ये एमए जो स्टूडेंट है उनको 2,000 पर मंथ कोरियन फाउंडेशन देता है, ये स्पेशली जो कोरियन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा 1,000 पर मंथ जो यूजी के स्टूडेंट है खासकर बैचलर के हैं उनको 2 साल तक दिया जाता है। अब जो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको स्टार्टिंग के जो मैंने बताया कि पहले के 2 साल 10,000 पर मंथ दिया जाता है और बाकी आगे ये बढ़ के 12,000 रुपए पर मंथ हो जाता है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो की फेलोशिप्स हैं जो जेएनयू में दी जाती हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होता है। वहां पे छोटी छोटी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपको एमसीएम के अलावा, जो अगर हम बात करें ये आपको कहीं ना कहीं वह काफी हेल्प करती है। और क्योंकि जेएनयू बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, क्योंकि बिल्कुल सस्ता, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है वहां पे रहना, वहां पे स्टडी करना, तो उसमें आपको छोटी छोटी स्कॉलरशिप्स भी काफी हेल्प करती है। और कहीं ना कहीं एमसीएम तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा हेल्प करता है क्योंकि आपका हॉस्टल का जो मैथ बिल है उसको ये लगभग जीरो कर देता है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।